तो घर पे आ चुका था लास्ट टाइम मैं, और एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है गाइस। शिनचैन, पिनचैन और चॉप तीनों के तीनों को भाई सर्बियन डांसिंग लेडी पकड़ के ले गई है। अब ऐसा यार मेरे को लगता है, मेरे को पक्का तो पता नहीं है, जितनी शिनचैन से बात हुई थी फ़ोन पे उसके हिसाब से तो भाई उन्हें सर्बियन डांसिंग लेडी उठा के ले गई है। और उसके बाद भाई मेरे को शिनचैन, पिनचैन और चॉप का कुछ पता नहीं चला। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की भाई उन लोगों को रात को ही ढूंढने की, लेकिन रात को भी ढूंढा, रात को भी कुछ नहीं पता चला। फिर मैंने सोचा कि भाई लेस्टर से जाकर एक बार फ़ोन ट्रेस करवा लेते हैं, लेकिन उनके फ़ोन की लोकेशन भाई हमारे घर पर ही आ रही थी। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मिसिंग रिपोर्ट, तो उन्होंने भी बस मिसिंग रिपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं लिखा, सर्बियन डांसिंग लेडी के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं लिखा। उसके बाद मैं घर पर आ गया और मैंने एक चीज़ सोची भाई कि सर्बियन डांसिंग लेडी जो है वो कहीं ना कहीं से तो आई ही होगी हमारे घर पर, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है यार। देखो भाई, सर्बियन डांसिंग लेडी को पकड़ने का मेरा एक बहुत ही तगड़ा फुल प्रूफ प्लान था कि मैं रात को भाई जाऊँगा, सर्बियन डांसिंग लेडी को ढूंढूंगा, जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगा मैं उसको खुद पर अटैक करने दूंगा, वो मेरे पर अटैक करेगी, ठीक है, और फिर वो मेरे को पकड़ के कहीं तो ले जाएगी, मार डालेगी या फिर कुछ तो करेगी। लेकिन देखो भाई, मार तो डालेगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत तगड़ा वाला एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और साथ ही साथ कुछ वेपन्स भी लिए थे, तो वो मेरे को कहाँ लेकर जाते हैं मुझे ये देखना था। लेकिन यार ये सब सीन होने से पहले ही शिनचैन, पिनचैन किडनैप हो गए और साथ में चॉप भी किडनैप हो गया। अब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की थी लास्ट टाइम कि एक्चुअली में भाई सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे घर पर आई, शिनचैन, पिनचैन और चॉप को पकड़ के ले गई, तो एक्चुअली में वो आई तो आई कहाँ से। तो सबसे पहले मैं इधर गया था, इधर की साइड सीसीटीवी कैमरा ढूंढने की कोशिश की थी, तो मुझे एक सीसीटीवी कैमरा मिला था, ये वाला, जिसकी मैंने फुटेज चेक करी भाई बारिश वाले मौसम की, फिर उसके बाद बारिश बंद हो गई, फिर उसके बाद रात, फिर लाइट चली गई, लाइट आ गई, ये सब चेक किया, फिर सुबह तक का मैंने सीसीटीवी चेक किया और उसमें मुझे कुछ हाथ नहीं लगा भाई, लिटरली में मेरा हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ भी था ही नहीं यार, पूरी पूरी सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी तक नहीं गई इस रोड से। अब ये देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि जो सर्बियन डांसिंग लेडी है वो इस रोड से तो नहीं आई है, हो सकता है वो इस वाले रोड से आई हो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इधर जितने भी घर हैं उन घरों के आगे देखने वाला हूँ कि सीसीटीवी कैमरास कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, और फिर बारी बारी करके उन घरों की फुटेजेस चेक करने वाला हूँ। होप कि किसी ना किसी घर के आगे कोई ना कोई बढ़िया सी फुटेज मिल जाए जिसमें पता चल जाए कि सर्बियन डांसिंग लेडी एक्चुअली में आई तो आई कैसे है। ओके, इधर कोई कैमरा है क्या? हेलो ब्रो, किसी ने कैमरा लगवा रखा है क्या, कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह? अरे नज़र तो आ नहीं रहा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने भी सीसीटीवी ना लगवा रखा हो पूरी गली में। मैंने मिस कर दिया क्या किसी का घर? आई थिंक मैंने मिस तो किया है भाई, किसी ना किसी ने तो सीसीटीवी कैमरा लगवाया ही होगा घर के आगे। लेट मी चेक, लेकिन एक सेकेंड, उसकी फ़ोटो भी तो नहीं आती है यार। लेकिन फ़ोटो की बात अलग है, वीडियो की बात अलग है। देखते हैं, नहीं यार किसी ने भी नहीं लगवाया क्या इस गली में सीसीटीवी? लिटरली में भाई इस गली में तो मेरे को कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं मिला यार। इधर देखते हैं ज़रा, हेलो कोई है क्या इधर? मिस तो नहीं कर रहा मैं, मुझे तो लग रहा भाई मैं मिस कर रहा हूँ, कैमरा होंगे तो ज़रूर। जैसे देखो, ये देखो यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, नाइस, चलो यहाँ की फुटेज मिल जाएगी। इसके अलावा देखो ये रास्ता है, ये रास्ता जाता है अपने घर की तरफ। इसके अलावा इधर किसी ने कोई सीसीटीवी, हाँ इधर भी एक सीसीटीवी, तो यहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ है टॉप पर, तुम लोग देखो तो यहाँ से भी फुटेज मिल जाएगी। चलो भाई इस रास्ते की फुटेज मिल जाएगी और फिर एक इस वाले रास्ते की भी फुटेज मिल जाएगी इस वाले कैमरे से, ये दोनों कॉर्नर को कवर करता है। अगर वो इधर से सर्बियन डांसिंग लेडी आई हो या फिर इधर से आई हो तो उसके सबूत मिल जाएंगे भाई कैमरा के अंदर। लेकिन इस वाली गली का कैसे पता चलेगा? इस वाली गली में तो किसी ने कैमरा ही नहीं लगवा रखा है। है भाई, किसी ने लगवा रखा हो तो बता दो भाई मेरे को। अरे इधर भी तो घर है, इधर के तो घर मैंने चेक ही नहीं किए। हेलो भाई, इधर वाले एक बार देख लूँ मैं, इधर किसी ने तो लगवाया ही होगा। ओ हाँ, ओ है, एक ऊपर की तरफ देखो भाई, यहाँ पर भी एक सीसीटीवी है। चलो भाई, अभी हमें हर रास्ते के सीसीटीवी मिल चुके हैं, जो भी रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। अब किसी ना किसी की फुटेज के अंदर तो भाई सर्बियन डांसिंग लेडी आ ही गई होगी, अगर वो इन रास्तों से आई होगी तो। फटाफट से इनसे मैं जरा कैमरे की रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, कैमरे की नहीं मतलब फुटेज की। हेलो भाई साहब, फुटेज मिल जाएगी? भाई लॉस सेंटोस के लोग तो बढ़िया हो गए यार, फुटेज दे दी इन लोगों ने। सही है,
क्या बात है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा भाई, सिर्फ उनसे मांगा मैंने, तुम लोगों ने मेरे मुंह पे ही मना कर दिया, फिर दो झापड़ मैंने धरे तो दे दिया उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज। अभी तुम लोगों ने एक लेडी को भागते हुए देखा था, वो उसी घर की तो थी, उसके पति ने दो झापड़ खाए, बस दे दी उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज। अभी चलते हैं सामने की तरफ, दो घरों से और हमें लेना है, वो लोग शांति से दे दे वरना आते हैं भाई तरीके सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के। ओके कौन सा घर था, हाँ ये येलो वाला, अब कोई है। ओ हेलो आंटी जी, आपकी सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, मिलेगी क्या भाई? शांति से दे दी इन लोगों ने तो फुटेज, क्या बात है। चलो भाई, अरे यार मेरी गाड़ी की क्या हालत हो रखी है इस वक्त, गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी भाई अभी। खैर छोड़ो, अभी इस वाली सीसीटीवी की फुटेज लेते हैं, ये सबसे बेस्ट जगह लगा पड़ा है कैमरा, इससे तो पूरे सारे तीनों के तीनों रास्ते कवर हो रहे हैं। जरा इसकी फुटेज लेकर आता हूँ मैं। चलो भाई, इस वाली फुटेज के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, शांति से सामने वाले ने दे दी, बस सबसे पहले वाले ने भाई दिक्कत की थी, कोई बात नहीं, उसे भी दो चार झापड़ धर दिए मैंने, शांति से उसने भी फुटेज दे दी। चलो चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, जरा फटाफट से अब इन फुटेजेस को चेक करते हैं गाइस, क्या सीन है। पूरी की पूरी रात की फुटेज देख डालेंगे भाई, क्या पता हमें सर्वे डांसिंग लेडी का कुछ अता पता मिल जाए। लेट्स गो, चलते अपने घर में। अबे क्या ये, क्या ये, ओके कैसे जाऊँ मैं, ये वाला गेट तो लॉक है अभी भी, नहीं मैंने लास्ट टाइम ओपन कर दिया था इसे, हाँ ये तो रहा, लेकिन इसको कैसे क्रॉस करूँ, रुक जाओ भाई आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ मैं। ये बैठा मैं गाड़ी के अंदर, तोड़ो इसे, दिमाग खराब कर रखा है इसने। चलो भाई अब बढ़िया तरीके से घर के अंदर चलते हैं और सीसीटीवी की फुटेजेस लगा के चेक करते हैं, देखते हैं कुछ पता चलता है क्या इस सर्वेंट डांसिंग लेडी के बारे में। आई होप कि कुछ तो पता चल जाए, यूज करते हैं फुटेजेस को। तो ये फुटेज है गाइस उनके घर की, जिनको मैंने झापड़ मार के फुटेज ली थी, और अभी ये फिलहाल बारिश वाला टाइम है, ये बारिश रुक गई है आई थिंक उस वाला टाइम है, ये लाइट चली गई उस वक्त वाला सीन है, ये लाइट आ गई गाइस आई थिंक ये वो वाला टाइम है, और ये फाइनली हो चुकी है सुबह। नहीं भाई इस वाली फुटेज के अंदर तो कुछ नहीं दिखा, कोई सर्बियन डांसिंग लेडी वगैरह कुछ नहीं, बल्कि एक गाड़ी तक नहीं गई है यहाँ से वहाँ। आई थिंक ये वाला तो बेकार है, इधर से तो कुछ नहीं हुआ है। ये फुटेज है उस पीले वाले घर की, और देखते हैं इसमें सुबह तक कुछ होता है कि नहीं। नहीं भाई इसमें भी सुबह हो चुकी है, और इस पीले वाले घर से भी कोई गाड़ी वाड़ी कोई एक बंदा तक नहीं गया भाई, ये कुत्ता बिल्ली नहीं दौड़ रहा है यहाँ से, जानवर भी खौफ में आ गए भाई सर्बियन डांसिंग लेडी के। अभी सबसे लास्ट वाले घर की मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा हूँ, और ये लो भाई ये लास्ट वाला घर जो कि तीन तीन रास्तों को कवर कर रहा था, वहां से भी सर्वेंट डांसिंग लेडी ने कोई एंट्री नहीं ली है, बल्कि इधर से तो सिर्फ एक गाड़ी गई है, और वो गाड़ी है मेरी, जब मैं रात को शिंचन पिंचन को ढूंढ के फिर गया था यहाँ से, वो मेरी गाड़ी है भाई, मेरे अलावा इस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरा है। तो ये सर्वेंट डांसिंग लेडी आई कहाँ से, और शिंचन पिंचन और चौक को पकड़ के गई कहाँ से, आई हैव नो आइडिया भाई कहाँ से आई और कहाँ से गई वो भाई। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया यार फुटेजेस को देखते देखते, एक एक फुटेज को मैंने अच्छी तरीके से चेक किया है भाई, किसी भी फुटेज में कुछ भी नहीं आया है भाई, लिटरली में कुछ भी नहीं। अब तो मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि लिटरली में भाई सर्वे एंड डांसिंग लेडी जो है वो एक घोस्ट है कि नॉर्मल ह्यूमन है। अब वापस से सवाल इस चीज़ का आ चुका है, क्योंकि जो सबसे पहली सीसीटीवी फुटेज देखी थी उसके अंदर तो कोई गाड़ी वाड़ी कोई हलचल नहीं थी, दूसरी वाली सीसीटीवी फुटेज देखी वो येलो वाले घर की जो मैं इधर से लाया था उसके अंदर भी कुछ नहीं था भाई, कोई हलचल वलचल नहीं थी, और तीसरी वाली जो मैंने फुटेज चेक की जहाँ से तीन रास्ते बराबर दिख रहे थे, ये वाली देखो ये जो व्हाइट वाला घर है इस पे ये जो सीसीटीवी फुटेज लगी पड़ी है, ये वाली फुटेज चेक की तो इसमें भी सिर्फ मैं ही एक बार जाता हुआ दिखा इस रास्ते से ऐसे, वरना उसके अलावा कुछ नहीं था। अब मेरे को ये डाउट होने लग गया है कि पहले मैं तो सोच रहा था सर्बियन डांसिंग लेडी जो है ये भाई एक मिथ है, और बस ये कोई ह्यूमन है, ये ह्यूमन कोई चाल चल रहा है सर्बियन डांसिंग लेडी के आड़ में कुछ तो चल रहा है, लेकिन भाई जब अब किसी भी फुटेज के अंदर वो आई ही नहीं है, और जब शिंचन पिंचन और चौक को उसने किडनैप किया है तो वो आई कैसे, किडनैप करके फिर गई कैसे, उड़ के, आई हैव नो आइडिया भाई, हेलीकॉप्टर, अरे हाँ हेलीकॉप्टर लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन भाई अगर ऐसा होता तो शिंचन बिंचन फोन करके मुझे उसी वक्त कहते कि हेलीकॉप्टर लेके हमारे घर पे कोई आया है, ना कि ये कहते कि सर्वेंट डांसिंग लेडी आ गई है। नहीं नहीं भाई हेलीकॉप्टर से थोड़ी ना आई होगी वो, तो फिर कैसे, क्या सीन है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ लेस्टर के पास,
यस गाइज, हाँ यार लेस्टर के पास ही चलते हैं। अब उसके अलावा बचा ही कौन है जिससे मैं कुछ पूछ सकूँ, जिसको कुछ बता सकूँ। आई थिंक अब प्लान वही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा भाई। शिनचैन पिनचैन और चॉप को ढूंढना छोड़ के हमें अभी मेन फोकस करना पड़ेगा सर्बियन डांसिंग लेडी पर। उससे पहले मैं जा रहा हूँ साइमन के शोरूम से एक गाड़ी खरीदने। दिमाग खराब कर रखा है यार, इस वाली गाड़ी ना हद होती है। बताओ यार कैसी टूटी फूटी गाड़ी लेके भटक रहा हूँ मैं। पहले सबसे पहले मैं जा रहा हूँ साइमन के शोरूम और वहां से सिंपली एक चीज करूंगा, मैं एक बढ़िया सी अच्छी खासी गाड़ी, नई नवेली गाड़ी खरीदूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम याद होगा यार तुम लोगों को, जब मैं सर्वे डांसिंग लेडी का मिशन कर रहा था, जो मेरा प्लान था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, बाइक ब्लास्ट हो गई यार बेमतलब में। फिर उसके बाद यार शिनचैन पिनचैन किडनैप हो गए। मैं नहीं चाहता कि आज जब मैं रात को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूं तब ऐसी कुछ गड़बड़ हो, इसलिए मैं जा रहा हूं इस वक्त अभी साइमन के शोरूम। सबसे पहले वहां से एक अच्छी खासी गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद लेस्टर के पास चलेंगे। और मैंने थोड़ा सा एक प्लान में अपने चेंज किया है, वो प्लान का चेंज मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। बट सबसे पहले चलते हैं साइमन के शोरूम, एक बढ़िया सी SUV स्पोर्ट्स का जो भी मिलेगी बढ़िया नई नवेली वो लेने, जिसका इंजन खराब ना हो जल्दी। चलो भाई। तो गाइज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोगों ने हमारे नए वाले चैनल फ्लाइट को अभी तक नहीं विजिट किया है तो जाकर विजिट करो भाई। उस पे बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मजेदार गेम्स मैंने ट्राई किए हैं। तो अभी तक तुम लोगों ने चेकआउट नहीं किया इस चैनल को तो फटाफट से जाकर चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, मजा आ जाएगा तुम लोगों को सच में। ओके, साइमन का शोरूम बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं भाई। रास्ता ही भटक गया था आज तो आते आते मैं, और ये बारिश जैसा मौसम मेरे को लग रहा था कि बारिश शुरू होगी और हो भी गई भाई। ये अजीबो गरीब सीन चलता है बारिश के मौसम में, कब बारिश शुरू हो जाए कोई पता नहीं चलता है। अभी धूप थी, CCTV फुटेज चेक करने गया मैं, उसके बाद जब CCTV फुटेज चेक करके बाहर निकला मैं घर से, बारिश जैसा मौसम हुआ पड़ा था और अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है। और भाई साइमन के पास तो नई नई गाड़ियाँ रखी है। हेलो भाई साइमन, कैसे हालचाल? अरे ये कैसी गाड़ी लेके घूम रहे हो यार, रिपेयर करवानी है क्या? नहीं नहीं रिपेयर नहीं करवानी है, ये गाड़ी तू रख ले, मेरे को नई गाड़ी चाहिए। सिगरेट भाई तुझे शर्म नहीं आती, पूरे दिन फूकता रहता। ओ सॉरी भाई साइमन। अरे यार गलती से मुक्का पड़ गया इसके, सॉरी भाई लिटरली मैं सॉरी। अरे ये क्या था? सॉरी मजाक था भाई। ऐसा कौन मजाक करता है यार? सॉरी यार लिटरली मैं भाई सॉरी, वो गलती से मुक्का चल गया। गाड़ी के बारे में पूछ रहा था मैं, सबसे मजबूत और सबसे नई नवेली गाड़ी तेरे पास कौन सी आई है? सारी नई है। ये नई है? ये किस एंगल से नई लग रही है वे? इस पे धूल मिट्टी इतनी जमी पड़ी है, झूठ मत बोल भाई साइमन। अरे यार तुमने तो जल्दी पकड़ लिया। सच सच बता कौन कौन सी नई गाड़ियां हैं? एक तो ये रेंज रोवर है। ओहो बढ़िया लग रही है रेंज रोवर तो। इसके अलावा वो है, ये हाँ चैलेंजर। चैलेंजर नाम है इस गाड़ी का? बिल्कुल, एक ये वाली और एक ये वाली। अच्छी लग रही है दोनों। ये कौन सी, पुराने जमाने की है क्या ये? हाँ ये ओल्ड क्लासिक कार्स है। ये वाली ठीक रहेगी? बिल्कुल नई नवेली है ना भाई ये? अरे बिल्कुल यार। ठीक है तो फिर चलता हूँ मैं इसे लेके। पैसे? पेमेंट तुझे बाद में कर दूँ तो चलेगा? नहीं नहीं पेमेंट तो अभी करनी पड़ेगी। अबे यार इसके भी अलग ही नखरे हैं, करता हूँ पेमेंट, चलता हूँ मैं ये वाली गाड़ी लेके। जाओ ले जाओ। चलो गाइस फटाफट से अभी इसे लेकर निकलते हैं अभी। ठीक है यार, इस टूटी फूटी गाड़ी को लेकर कब से भटक रहा था मैं यहाँ से वहाँ। ठीक है, इसकी हेडलाइट यार पुराने ज़माने की लग रही है, पता नहीं क्यों पीली पीली सी। खैर जो भी हो, अभी मैं इस गाड़ी को लेकर निकलता हूँ सीधे लेस्टर के घर की तरफ। चलो भाई गाड़ी तो बढ़िया है, अच्छी खासी स्पीड लग रही है इसकी तो। हाँ अच्छी गाड़ी है यार। तो अभी फटाफट से ये वाला हाईवे पकड़ के मैं आगे से लेफ्ट कट लूँगा और उसके बाद हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे गाइज लेस्टर के घर। और फिर वहाँ पर पहुँच के मैं तुम लोगों को पूरा प्लान बताता हूँ, प्लान में जो थोड़ा सा चेंज है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लेस्टर के घर पहुँचते हैं हम लोग, लेट्स गो। ओके फाइनली पहुंचने वाला हूं मैं लेस्टर के घर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा जल्दी भाई, बहुत तेज़ भगाई है मैंने ये गाड़ी। और क्या संभाल के नई नवेली गाड़ी चला रहा हूं मैं, अभी तक एक जगह भी मैंने नहीं ठोकी है इस गाड़ी को। और ये रहा भाई फाइनली लेस्टर का घर। लेस्टर क्या कर रहा है, फ़ोन चला रहा है बारिश में खड़े होके? लेस्टर भाई क्या कर रहे है तू? क्या हो गया है? गाड़ी बड़ी मस्त लग रही है। चल घर के अंदर चल। क्यों? अरे चल ना यार, तेरे से ज़रूरी बात करनी है, जल्दी आ जल्दी आ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या बात करनी है बोलो यार। तो जो भी मैं अब बताने वाला हूँ वो तो ध्यान से सुन, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। बोलो तो सही। तो देख मैंने प्लान बनाया था कि ये जो सर्वियन डांसिंग लेडी है इसके चंगुल में मैं खुद सामने से जाकर फंसूंगा। मतलब सर्वियन डांसिंग लेडी क्या करती है? क्या करती है? क्या लोगों को गायब कर देती है। तो लोग आखिर वो जाते कहाँ हैं, क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी तो नहीं मिलती है। हाँ ये भी सही बात है।
तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है ऑलरेडी, मेरे पास दो वेपन्स भी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि सर्वेंट डांसिंग लेडी को आज रात को ढूंढ के उसके चंगुल में खुद सामने से फंसने वाला हूँ ताकि वो भी मेरे को गायब कर दे। यस। और देख भाई, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहन लिया है, लेकिन क्या पता वो मेरे को बेहोश करके गायब करे। हाँ ये भी सही बात है, तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि वो मेरे को लेकर कहाँ जाएगी। हाँ ये भी सही बात है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ तुझे। मुझे चाहते हो क्या करने के लिए? मैं चाहता हूँ कि तू मेरा पीछा करे। कब? जब सर्वियन डांसिंग लेडी मेरे को पकड़ के कहीं ले जा रही होगी उस वक्त। अरे लेकिन वो तो बहुत खतरनाक होती है। अबे यार तू टेंशन मत ले, मैं उसका शिकार बनने वाला हूँ, तू दूर रह के बस मेरे पे नजर रखियो, और इस तरीके से नजर रखियो कि सर्वियन डांसिंग लेडी को पता ना चले कि तू मेरे को देख रहा है। ठीक है, लेकिन यार नहीं नहीं मेरी जान का खतरा है। अबे यार वैसे भी एक दिन तेरे को सर्वे डांसिंग लेडी पकड़ के ही ले जाएगी यार, इससे बढ़िया हम लोग पर्दाफाश करें उसका। लेकिन यार ये बहुत खतरनाक टास्क है। अबे पुलिस वालों से गाड़ियां चुराते वक्त तो नहीं डरता तू, खतरनाक वाली हैकिंग करते वक्त तो नहीं डरता तू, लेकिन आज तेरी बड़ी हालत खराब हो रही है सर्वे डांसिंग लेडी के सामने। अरे बात को समझो यार, हैकिंग वैकिंग में भूत से तो सामने नहीं हो रहा ना, यहाँ तो भूत से हो सकता है। अबे ये अभी तक साबित कहाँ हुआ है? अच्छा तो एक बात बताओ, शिनचैन बिनचैन और चॉप को घर से उठाया सर्वे डांसिंग लेडी ने? हाँ घर से उठाया है। तो सीसीटीवी फुटेज तो होगी ही? हाँ सीसीटीवी फुटेज तो है ही। तो उनके अंदर उसकी फोटो आई है क्या? नहीं फोटो तो नहीं आई है। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? अब क्या पता किसी और रास्ते से आई हो। तुम्हारे घर पे आने के टोटल 3-4 रास्ते हैं। हाँ मैंने सब पे सीसीटीवी चेक किया, किसी में भी उसकी फुटेज नहीं है। तो फिर क्या आसमान से टपकी वो या जमीन से निकली वो? क्या पता आसमान से टपकी हो। तभी तो, इसका मतलब वो घोस्ट है, वो उड़ सकती है। अबे नहीं नहीं तू क्या फालतू की बकवास कर रहा है यार। तू भाई मेरा मिशन में साथ देगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। तुझे देना ही पड़ेगा साथ भाई, ये मत भूल, तेरे पक्का दोस्त लेमार उसे भी वो सर्वियन डांसिंग लेडी उठा के ले गई है। अरे हाँ यार, और तुझे करना क्या है? कौन सा तुझे मैं शिकार बना रहा हूँ? शिकार तो मैं खुद बन रहा हूँ, तुझे बस मेरे पे नजर रखना है और मेरा पीछा करना है, ये देखते रहना है कि वो सर्वियन डांसिंग लेडी आखिर में ले जा कहाँ रही है। मान लो मैंने ये तुम्हारा पीछा करते हुए देख लिया कि आखिर ले कहाँ जा रही है, फिर उसके बाद क्या, जाके पुलिस मिलिट्री सबको बता दियो, बस बात खत्म। हाँ ये बढ़िया आइडिया है। तो चल फिर, तैयार है तू? तैयार हूँ मैं। तो आ जाए इसी बात पे, प्लान को करते हैं एग्जीक्यूट। आज मचा देंगे भाई तबाही, सर्वियन डांसिंग लेडी को एक्सपोज करके रहेंगे आज हम लोग। कुछ भी हो जाए आज सर्वियन डांसिंग लेडी नहीं बचने वाली। लेस्टर भाई तैयार है तू? बिल्कुल तैयार हूँ मैं। तो आ जा फिर इसी बात पे जोश के साथ। वैसे ये जोश कौन है? अबे जोश किसी बंदे का नाम नहीं है। तो फिर? अबे यार मतलब जोश के साथ मतलब फुल पावर के संग आ जा तू। पावर्स नहीं है मेरे पास। अबे तू चुप हो जा। ओके गाइस, मेरे को तो अब डाउट हो रहा है यार, ये लेस्टर का बच्चा मेरा पीछा ढंग से करेगा कि नहीं। होपफुली कर ले पीछा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मैंने इसको क्यों अपना पीछा करने के लिए लगा लिया है। एक्चुअली मैं देखो भाई, मैं पहले क्या सोच रहा था कि सर्बियन डांसिंग लेडी जो है चक्कू बक्कू मारेगी और मेरे को चक्कू लगेगा नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि मैं बेहोश हो चुका हूँ और फिर वो जहाँ ले जाएगी और मैं देखता रहूँगा कि आखिर में कहाँ ले जा रही है। बट सीन क्या है कि क्या पता वो सीधे बेहोश करके ले जाए। अब बेहोश करने से तो मैं रोक नहीं सकता उसे, इसलिए गाइज मैं लेस्टर को रख रहा हूँ अपने पीछे ताकि मेरे को भी कहीं भी वो बेहोश करके ले जाए, लेस्टर पीछा करता रहेगा, जहाँ पर भी वो लेकर रुकेगी लेस्टर सीधे पुलिस को कॉल करेगा और सिंपली पुलिस मिलिट्री सब आके सर्वियन डांसिंग लेडी को ख़त्म कर देंगे। बहुत ही एपिक प्लान है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इंतज़ार है तो अभी बस रात का, रात होने दो, आज कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है। लेकिन एक सेकेंड भाई, तू ऐसे पीछा करने वाला है मेरा? तो कैसे करूं? गाड़ी से भाई, गाड़ी ले ले तू। अरे यार रुक जा, किसी बंदे की गाड़ी छीनता हूँ मैं। किसकी गाड़ी छीनूं मैं? रुक जा तू, बस बैठा रहा। ओ इसकी गाड़ी बढ़िया लग रही है, और ब्लैक कपड़ों वाले, चल गाड़ी तेरी ऐसी की तैसी, गाड़ी दे भाई, चल तेरी गाड़ी दे फटाफट, गाड़ी दे तू, गाड़ी दे फटाफट। अरे यार गाड़ी, गाड़ी वाड़ी छोड़, तू निकल यहाँ से। अरे यार गाड़ी तेरी ऐसी की तैसी, गाड़ी आज हमने ले लिया तेरी, निकल यहाँ से। अरे गाड़ी रिपेयर। अबे बाद में करवाइए जो भी तुझे काम करवाना है गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी आज तेरे से छीन लिया मैंने, समझ गया तू? अरे लेके चलो भाई, लेस्टर आज से ये गाड़ी तेरी हुई। थैंक यू यार, लेकिन वो कुछ बोल रहा था। अबे छोड़ना जो भी बोल रहा हो, तो तू इस गाड़ी से मेरा पीछा करेगा और सिंपली सर्वियन डांसिंग लेडी को आज हम लोग पकड़ लेंगे, समझ गया पूरा प्लान? बिल्कुल। तो फिर रेडी हो जा, बैठ तू अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। जा भाई लेस्टर, बैठ जा अपनी गाड़ी में फटाफट।
ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ, अब इंतजार है तो बस रात के होने का। मेरे ठीक तू पीछे रखियो गाड़ी और थोड़ा दूरी पे रखियो, ठीक है? समझ गया समझ गया, आ जा फटाफट से। चलो गाइस वेट करते हैं रात होने के। ये जा कहाँ रहा है लेस्टर का बच्चा? अबे मेरे पीछे आना भाई तू। अरे ये बंदा क्यों भड़क गया मेरे पे? अरे आजकल लॉस एंटोस में हो क्या रहा है, जिसको देखो जरा जरा सी बात पे भड़क रहा है। तुझे क्या हो गया यार लेस्टर? आ जा फटाफट से। अबे आ जाना यार, तू भी हद कर रहा है। तो ये बारिश नहीं रुक रही है आज, बारिश का क्या सीन है यार? आई हैव नो आइडिया। बाकी रात होने का इंतजार करते हैं गाइस। लेस्टर जस्ट मेरे पीछे ही। अब थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन कर भाई, बिल्कुल गाड़ी पीछे पीछे लेके चल रहा है। अब वो कहाँ चला गया गाड़ी लेके? अबे किस गधे को बुला लिया यार मैंने अपने संग? मुझे नहीं लगता ये टास्क बढ़िया तरीके से करने वाला है, ये मेरा मिशन फेल करवा के रहेगा। पता नहीं किधर गाड़ी लेके जा रहा है वो लेस्टर का बच्चा। अच्छा उधर से गाड़ी घुमा के लाएगा। अबे सिंपली इधर से लाता ना भाई। क्या ही है वो, कहाँ गया? वो वहीं अटका पड़ा है। वो कर क्या रहा है भाई? अरे इसको गाड़ी आती है चलानी नहीं। लेस्टर भाई हेलो, मेरा तुझसे एक सवाल है। बोलो। अरे नहीं नहीं गाइस, इस तरीके से बात नहीं बनने वाली। हमें ब्लूटूथ लगाना पड़ेगा यार अपने कानों में, वरना तो ये बहुत पीछे रह जाएगा, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा गाड़ी लेके। अरे हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। आ जा भाई लेस्टर, आ जा ब्लूटूथ ला, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं फटाफट। ला भाई गाड़ी अपनी, ला ब्लूटूथ ला भाई, है तेरे पास? हाँ हाँ है। ला भाई ला फटाफट ला। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर कान में एक मस्त वाला ब्लूटूथ लगा लिया है और अभी सब कुछ सेट है, फटाफट से इस वाली गाड़ी में बैठते हैं। चलो भाई लेस्टर रेडी? बिल्कुल रेडी। इंतज़ार करते हैं अब यहीं पे रात का। तो यहीं पर गाइस खड़े खड़े रात हो चुकी है और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो सारे बंदे अभी डर के मारे घर के अंदर जाकर छुप चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं और लेस्टर भटक रहे हैं इन रास्तों पर लॉस सैंटोस के। अभी लेस्टर भाई आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, मेरे ब्लूटूथ से आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है यार, तेरी भी आवाज़ एकदम मस्त आ रही है। वैसे मैं सोच रहा था बारिश में वो निकलेगी घर से बाहर। कौन? अरे सर्विंग डांसिंग लेडी। पता नहीं, अबे चल वो तो निकलेगी, ये कैसी बात कर रहा है तू? सच में? अबे हाँ हाँ, वो शिकार नहीं भूलती भाई अपना, वो बारिश हो चाहे कुछ भी हो, आंधी हो तूफान आए, वो नहीं छुट्टी मारती भाई। ये बहुत खतरनाक बात है उसकी। वो तो है ही, तू ढंग से गाड़ी चला तो लेगा ना भाई? अरे बिल्कुल, देख नहीं रहे तुम्हारे जस्ट पीछे ही हूँ मैं। अबे इतना भी मतलब जस्ट पीछे मत रहे भाई, थोड़ा सा तो मेरे को तुझसे आगे निकलने दे। रेस करोगे क्या? अबे रेस नहीं करनी है यार, ये रेस करने लग गया यार लेस्टर का बच्चा। तुम ही तो कह रहे हो। अबे यार तू चुप हो जा, अभी फटाफट से हम लोग भटकते हैं लॉस सैंटोस में और देखते हैं आखिरकार सर्वेंट डांसिंग लेडी मिलती कहाँ है। जहाँ पर मिलेगी गाइज वहीं पर भाई लेस्टर तू पीछे ही रह जाइयो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया, सारा प्लान पता है मुझे। ओके गाइज आज कोई लिटरली मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा, कोई भी नहीं। भी फटाफट से नीचे आ जा ब्रिज के। इधर से नीचे जाने की क्या जरूरत थी? तो कहाँ से आएगा तू? आगे से। अरे यार एक अलग ही गधे को लेके आ गया मैं अपने संग में, तो एक छोटी सी जंप करने से डर रहा है, अब वो पूरा ऑल द वे यहाँ पर से आएगा। क्या यार कहाँ गलत फंस गया मैं, वो देखो कहाँ से आ रहा है। बस सिंपली वहीं से जंप लगा देता है यार लेस्टर तू भी। खैर जो भी हो, भटकते हैं जरा लॉस सैंटोस में गाइस। एक तो बारिश हो रही है यार, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, दिमाग खराब हो रखा है। इस बारिश में अलग ही पागल हुआ पड़ा हूँ मैं। और तेरी गाड़ी की एक ही हेडलाइट क्यों काम कर रही है? पता नहीं। खैर छोड़ो। ओके बारिश में सरमेन डांसिंग लेडी निकलेगी ना भाई घर से बाहर? लगता नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे इतनी आगे क्यों निकल रहे हो? अबे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर भाई तू। ठीक है ठीक है। ओके कहाँ पर? अबे यार ऐसे तो हर वक्त दिख जाती है ये नाचती हुई कहीं भी, लेकिन आज नालायक नहीं दिख रही कहीं भी। पता नहीं कहाँ है यार ये सर्वेंट डांसिंग लेडी। ओए हेलो, ओए सर्वेंट डांसिंग लेडी, ओए कहाँ है तू? पिट्टा एक बार सामने आ जा, मैं बहुत खतरनाक बंदा हूँ, छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी। एक बार सामने तो आ जा तू, एक बार आ जा बस, तू एक बार आ जा। हेलो भाई लेस्टर आ रहा है ना मेरे पीछे? एक सेकंड यार, थोड़ी गाड़ी रुक गई है। कहाँ है ये गाड़ी रुक गई है? कैसे भाई? पता नहीं, देख ले एक बार, चेक कर ले जरा। हाँ चेक ही कर रहा हूँ। क्या हुआ क्या है? पता नहीं यार रुक गई है अचानक से, लेट मी चेक। आ जल्दी आ, मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, यहीं पर हूँ। पता नहीं गाइस क्या सीन है इसका। चली मेरी गाड़ी यार। अरे चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, नहीं चल रही है। चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुई है पक्का। लेकिन क्या गड़बड़ हुई है देखता हूँ ज़रा, क्या प्रॉब्लम हो गई है यार। सब तो नॉर्मल ही लग रहा है,
ढंग से दिख भी नहीं रहा, थोड़ी लाइट वाइट इस खंबे के नीचे ले जाऊं क्या? लेकिन वहां तक भी गाड़ी जाएगी कहाँ? पता नहीं क्या हो रहा है। अरे लाइट तो खंबे वाली भी चली गई, लाइट चली गई। हेलो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, हेलो हेलो फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, अरे आवाज़ आ रही है, तुम्हारी आवाज़ कट कट के आ रही है। हेलो हेलो स्टार, अरे यार ये फ्रैंकलिन पता नहीं कहाँ है। गाड़ी का क्या ड्रामा है यार, ऐसे कैसे गाड़ी खराब हो सकती है? हेलो फ्रैंकलिन स्टार, ये क्या? अरे यार एक तो ये फ्रैंकलिन की आवाज़ कट कट के आ रही है, फिर से ट्राई करता हूँ इसे। अरे ये क्या है? अरे फ्रैंकलिन, सर्वे डांसिंग लेडी कार आ गई, क्या करूँ? हेलो हेलो भाई, लेस्टर आवाज आ रही है। सर्वे आ गई, आ गई। कौन आ गई? सर्वे गाड़ी चढ़ा चल जोड़ा। क्या? हेलो भाई लेस्टर, हेलो कुछ तो बोल भाई। सर सर्बियन डांसिंग लेडी ऐसे कुछ तो बोल के वो चुप हो गया। एक तो ये बारिश में ढंग से ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा यार हमारा। हेलो वापस जाना पड़ेगा भाई, लेस्टर इधर ही कहीं छूटा है। अरे यार मेरे को पहले ही वापस चले जाना चाहिए था। हेलो भाई लेस्टर, हेलो आवाज़ आ रही है। हेलो, अरे यार मेरा ब्लूटूथ भी गिर गया गाड़ी के अंदर। किधर गिर गया बाद में ढूंढेंगे। चलो 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 चलो। हेलो भाई लेस्टर, अरे लेकिन ब्लूटूथ तो गिर गया ना, क्या हेलो बोल रहा हूँ। वोरी गाड़ी यही है ना लेस्टर की गाड़ी? यस यही तो है। और अब आज अभी तो बहुत ही खतरनाक वाला धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। क्या हो गया था इसकी गाड़ी को? लेस्टर भाई, ओ लेस्टर, लेस्टर ब्रो, लेस्टर भाई कहाँ गए तू? हेलो लेस्टर, अंदर गाड़ी के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा लेस्टर भाई। हेलो हेलो, तू सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ है? एक सेकेंड, उसने बोला तो था सर्बियन डांसिंग लेडी कुछ तो गाड़ी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। एक तो वो पागल ही हो गया था, एक तो आवाज़ उसकी ढंग से आ नहीं रही थी, कट कट के उसकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन मैंने इतना तो सुन लिया था गाइज, वो कुछ सर्बियन डांसिंग लेडी बोल रहा था, इसका मतलब पक्का उसने देखा तो था उसे। लेकिन उसकी गाड़ी अचानक से कैसे खराब हो गई? क्या ड्रामा है ये गाड़ी का? क्या अलग ही ड्रामा है इसका, सीरियसली में हद होती है किसी भी चीज़ की। क्या हो गई इसे, आग क्यों लग गई इस गाड़ी में? ओ हेलो, मैंने तो एक गोली चलाई बस। अबे यार एक तो ये लेस्टर का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसकी गाड़ी यहाँ पर है और वो सर्बियन डांसिंग लेडी बोल रहा था एंड टाइम पे, इसका मतलब उसे पक्का सर्बियन डांसिंग लेडी उठा के ले गई। अबे यार क्या ड्रामा हो रही है, जब जब मैं सर्बियन डांसिंग लेडी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तब तब मेरे संग ही उल्टा हो जा रहा है। ये बैड लक ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है क्या लिटरली में भाई? लास्ट टाइम मैं पकड़ने गया था सर्बियन डांसिंग लेडी को, शिंजन बिंजन और चॉप को उठा के ले गई वो। इस बार ही मैं जस्ट लेस्टर के थोड़ा सा आगे था, उसकी पता नहीं एक तो अचानक से गाड़ी कैसे खराब हो गई, और गाड़ी रिपेयर कर रहा था तो पता नहीं भाई सर्बियन डांसिंग लेडी कहाँ से आ गई। क्या ड्रामा हो रहा है ये, पता नहीं भाई कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है ये। सच में ऐसा लग रहा है वो मेरे ऊपर नजर रख रही है, सच में भाई ऐसा लग ही रहा है जहाँ मैं जा रहा हूँ वो वहाँ पहुँच जा रही है। सबसे पहले जो मैं करने की सोच रहा हूँ वो मेरे से 10 कदम आगे सोच रही है भाई। लास्ट टाइम मैं उसको पकड़ने के लिए कितना खतरनाक फुल प्रूफ प्लान बना के गया था, शिंजर म्यूजियम चौक को उठा के ले गई, आज लेस्टर को पीछा अपना करने के लिए लगा रखा था उसको भी उठा के ले गई। कैसे हो रहा है ये सब कुछ, कैसे हो रहा है? लाइट, अबे लाइट नहीं थी ना कब से? हाँ कब से लाइट भी तो नहीं थी, ये जब जब अटैक कर रही है तब तब लाइट भी काट दे रही है, ये कैसे हो रहा है ये सब कुछ? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है मेरे संग। मेरे को छोड़ के भाई सर्बियन डांसिंग लेडी सब पे अटैक कर रही है, मुझ पे उसने सिर्फ एक बार नहीं दो बार अटैक किया है। एक बार तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे देखा था तो मेरा जब से बैड लक शुरू हो गया उस टाइम तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी अजीबोगरीब तरीके से, मेरी गाड़ी ने बिहेव किया था और पहाड़ के ऊपर से खाई के अंदर मेरी गाड़ी गिर गई थी। दूसरे टाइम मेरा उससे जब सामना हुआ था तो उसने भाई मेरा पीछा किया था, दौड़ा दौड़ा के पीछा किया था। तीसरी बार सामना ही नहीं हुआ, चौथी बार फिर से सामना नहीं हुआ, लेकिन मेरे जानने वालों से सामना हो रहा है, शिंजन मिंजन चौप से लास्ट टाइम सामना हुआ था, आज लेस्टर को उठा के ले गई है। और लेस्टर के लास्ट वर्ड भी थे गए सर्बियन डांसिंग लेडी, और वो कुछ कार बार पता नहीं क्या बोल रहा था वो, तो ढंग से उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हो ना हो ये सर्बियन डांसिंग लेडी उठा के ले गई है, लेकिन ये गाड़ी अचानक से, वेट, जब मैंने ये वाली गाड़ी तो वो वाली गाड़ी है ना जो मैंने एक रास्ते में बंदे से छीनी थी, मेरी वाली गाड़ी तो देखो साइमन से मैंने खरीदी थी तुम लोगों के सामने ही, ये वाली गाड़ी भी वो वाली गाड़ी है जो मैंने एक बंदे से छीनी थी, और वो बंदा बोल तो रहा था कि रिपेयर कुछ तो,
हाँ यार उसने, अबे यार उसने बोला तो था कि मैं रिपेयर करवाने ले जा रहा हूँ इस गाड़ी को। अरे मैं पागल हूँ क्या, क्या जरूरत थी उस बंदे की गाड़ी छीनने की? बेमतलब मैं उसकी बात सुनी भी नहीं, उसको पकड़ के पीट भी दिया और उसकी गाड़ी भी छीन ली। तभी इस वाली गाड़ी की एक हेडलाइट जल भी नहीं रही थी। यस गाइस, मैं पहले से ही बेकार गाड़ी लेकर आया था जिसकी वजह से बेचारा हमारा लेस्टर फंस गया, वरना अगर वो जस्ट मेरे पीछे होता तब सर्वे डांसिंग लेडी अटैक करती तब तो भाई देख लेते उसे। लेकिन अभी देखो लेस्टर बेचारे को ले गई, गाड़ी यही है। ये गाड़ी ने धोखा दे दिया, लेकिन गलती गाड़ी की भी नहीं है, वो बंदा कह तो रहा था इस गाड़ी का मालिक की मत ले जाओ, रिपेयर करवाने ले जा रहा हूँ। क्या करे अब, कोई आइडिया नहीं मेरे पास, लिटरली मैं कोई आइडिया नहीं है। एक काम करते हैं, ढूंढते हैं फिर से, अभी भी रात ख़त्म नहीं हुई है गाइज, शायद वो सर्वे डांसिंग लेडी अपना कोई नया शिकार ढूंढने निकले हो, पैसा हो, काश वो मेरे को मिल जाए भाई, एक बार तो मिल जाए। ओके चलते हैं, ज़रा ढूंढते हैं लॉस सैंटोस में, भटकते हैं इधर से उधर, वो कहीं तो मिल जाए। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में मैं भटक रहा हूँ, 300 की रफ्तार में अपनी गाड़ी भगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सर्बियन डांसिंग लेडी का कुछ नहीं मिला अभी तक। सुबह होने वाली है, लिटरली में सुबह होने वाली है, एक तो ना बारिश बंद हो रही है कल रात से ही, और दूसरी चीज़ सर्बियन डांसिंग लेडी का कुछ अता पता नहीं चला, कुछ भी, कुछ कहीं भी नहीं दिखी है वो। पता नहीं यार मेरे दोस्तों पर ही क्यों अटैक कर रही है वो, क्या सीन हो गया, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या मेरे से? अलग ही सीन हो गया, मेरे को तो लग रहा है मैं उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात शायद उसको पता चल गई है और ये तभी ऐसी सब हरकतें कर रही है। क्या लगता है यार तुम लोगों को? यस गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है यार कमेंट में जाकर बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना भाई अगर तुम लोग नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहते हो तो। बाकी अभी मुझे नेक्स्ट आगे क्या करना चाहिए मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा सोचने दो। इधर से सबसे पहले तो पुलिस वालों के पास जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, लेस्टर की मिसिंग रिपोर्ट। यस लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन, लेट्स गो भाई लेट्स गो। आ गए गाइस, आ गए यहाँ पर, ये रहा पुलिस स्टेशन, लेट्स गो, कम ऑन, आगे से राइट। रिपोर्ट लिखवा देता हूँ, बस एक छोटी सी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा के आता हूँ, क्योंकि मेरे को भी पता है और तुम लोगों को भी पता है भाई कि पुलिस वाले करने वाले कुछ है नहीं, बस रिपोर्ट लिख लेंगे। अब बस ये सुबह हो गई बिल्कुल, अब तो गाड़ी भी चलने लग गई लॉस सैंटोस में। हेलो सर, मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। फिर से? अरे यार लिख लो, अब लेस्टर गायब हो गया मेरा दोस्त, ये क्या चित्रकारी करते रहते हैं भाई, डायरी पे देखो इनकी, वो तो थोड़ा ऐसे ही। जल्दी लिख लो रिपोर्ट, लेस्टर नाम है उसका। मैं नहीं लिख रहा। अबे लिख ले यार भाई, लिख ले जल्दी से। अरे थोड़ा तमीज से बात करो। अरे सर जी लिख लो फटाफट। ठीक है ओके, रिपोर्ट लिखवा दिए, घर चलते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करना चाहिए भाई? तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो जाकर गाइस कमेंट में बताओ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना गाइस, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बाकी एक और चीज़, अगर तुम लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, मैंने मेंबरशिप ओपन कर दिया इस चैनल के लिए, तो जाओ अभी के अभी ज्वाइन करो और कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों को कुछ पता चल रहा है, या फिर तुम लोगों को लगता है कि सर्बियन डांसिंग लेडी का क्या सीन है, वो रियल है या फिर फेक है। अभी तो मेरे को लग रहा है 70% रियल है, 30% फेक लग रहा है। 30% फेक इसीलिए क्योंकि वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही है, मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक कर रही है। अब आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा है। और 70% रियल इसीलिए लग रही है मेरे को वो, क्योंकि मैंने सारी CCTV की फुटेज चेक की शुरुआत में इस वीडियो के, तुम लोगों ने खुद देखा लास्ट टाइम भी मैंने चेक किया था, किसी भी फुटेज के अंदर नहीं दिखी है वो, किसी भी लिटरली में एक फुटेज के अंदर भी नहीं दिखी है वो। क्या सीन हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। एक सेकेंड, मेरे को कुछ समझ आया है। एक सेकेंड, जरा घर चलते हैं गाइज, रुक जाओ मैं तुम लोगों को ड्रोन से कुछ समझाना चाहता हूँ, जल्दी घर निकलना पड़ेगा जल्दी से। लेट्स गो गाइज, एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ मेरे दिमाग के अंदर आई है। रुको, ये इस चीज़ पे मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया यार। रुको गाइज, चलते हैं फटाफट से घर, मैं तुम लोगों को ड्रोन से कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ मेरे हाथ लगी है भाई लिटरली में। जो अभी तक मैं सोच रहा था ना उसकी 70% रियल है वो सर्वेंट लेडी घोस्ट, और 30% मुझे लग रहा है कि वो नकली है, नहीं भाई अब मुझे 100% लग रहा है कि वो नकली है, 1% भी रियल नहीं लग रहा है। वो चीज़ क्या है वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बाकी तुम लोगों ने अगर पिछला वाला एपिसोड और पिछले जितने भी एपिसोड है अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो गाइस, लिटरली में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे एपिसोड मिल जाएंगे। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।